सोलन में एनपीए बहाल और अन्य प्रमुख 5 मांगों को लेकर आज भी क्षेत्रीय अस्पताल में डॉक्टरों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। बता दें कि काले बिल्ली लगाकर क्षेत्रीय अस्पताल के सभी 27 डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कमल अटवाल ने बताया कि उनके प्रदेश पदाधिकारी की एक बैठक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हुई है, जिसमें उन्होंने बातचीत के लिए फरवरी माह के पहले सप्ताह का समय दिया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि सीएम से बातचीत होने तक वे अपने इस प्रदर्शन को काले बिल्ले लगाकर जारी रखें। कल हमारे सीईसी के कुछ मेंबर्स गए थे उनसे टाइम लेने, तो तब हेल्थ मिनिस्टर साहब और हमारे सीएम साहब से बात हुई, उनकी थोड़ी सी सरसरी सी बात भी हुई थी। तो कुछ चीज़ों पे उन्होंने अपडेट भी किया, एनपीए इशू पे भी। तो उन्होंने इस तरह से कुछ बोला तो है कि हाँ तनख्वाह कम है डॉक्टर्स की और इस चीज़ को मिलनी चाहिए, ये तनख्वाह बढ़नी चाहिए, मैं भी सोचता हूँ, पर हमारे पास फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके बारे में ये अपडेट किया था कि यदि ये 100 डॉक्टर्स को अपॉइंट भी करते हैं और उनका एनपीए भी पूरा देते हैं तो लगभग एक साल का 60 लाख रुपए का भार पड़ता है गवर्नमेंट पे, जो कि बहुत कम है। 4 साल में 2.5 करोड़ का भार पड़ेगा सरकार पे, तो ये बहुत ज़्यादा। तो उनके बात समझ में आई कि नहीं है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतने से एनपीए कम करने से सरकार नहीं चलने वाली है। और बाकी चीज़ों पे भी बात हुई, प्रमोशंस पे और वो सब कुछ। उन्हें शायद थोड़ा सा ये भी था कुछ कन्फ्यूजन कि डीएमई और डीएचएस के कैडर अलग अलग हैं। जो मेडिकल कॉलेजेस में प्रमोशंस हुई थी तो उस बारे में उन्होंने कहा कि प्रमोशंस तो हुई हैं, पर उनको बताया कि ये फील्ड के डॉक्टर हैं जो डीएचएस के अंडर आते हैं और यहाँ प्रमोशन काफ़ी समय से नहीं हो पाई है। तो उस पर बात हुई है, पर उन्होंने समय दिया है 1 फरवरी का, ये फर्स्ट वीक में कभी भी इस बारे में बुलाकर बात करेंगे पूरी सीईसी से, और फिर जो भी रिजल्ट सामने आएगा उस पर देखेंगे, सीईसी पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यही डिसाइड किया कि तब तक हम अपना रोष प्रकट करते रहेंगे, यूनिटी दिखाते रहेंगे। गौरतलब है कि डॉक्टरों को सीएम सुक्खू से फरवरी माह के पहले सप्ताह में बातचीत का समय मिला है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि सीएम से बात होने तक वे काले बिल्ले लगाकर रोष जताते रहेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि फरवरी माह में सीएम डॉक्टरों से बात कर उनकी समस्या का समाधान कब तक करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।